तो बात करते हैं फर्स्ट फेस्टिवल जो कि एपी यानी आंध्र प्रदेश का है ब्रह्मोत्सवम ठीक है तो देखिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जो कि वेंकटेश्वर मंदिर भी इसे बोलते हैं ठीक है थीके? सबसे महत्वपूर्ण और शुभ वार्षिक नवरात्र ब्रह्मोत्सव उत्सव मनाया जाता है ठीक है देखिए क्या है कि यहाँ पर जो मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर है ये ठीक है और ये शायद ए का सबसे फेमस मंदिर में से भी एक है ठीक है तो यहाँ पर ये जो है उत्सव मनाया जाता है ये कुछ एक हफ्ते का उत्सव होता है ठीक है तो ये काफ़ी फेमस उत्सव है जो कि ए में मनाया जाता है ठीक है फिर बात करते हैं असम की बीहू ठीक है आपने लगभग सुना होगा कई बार सुना होगा जो डांस है यहाँ का बिहू ये एक तरह का उत्सव है यहाँ का ठीक है असम में यह एक त्यौहार जो है कि एक वर्ष में तीन बार मनाया जाता है ठीक है ये चीज़ आपको याद रखना है क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि असम का जो बिहू त्यौहार है वो एक वर्ष में कितने समय तक मनाया जाता है तीन बार मनाया जाता है ये त्यौहार ठीक है सर्दियों के मौसम यह त्यौहार जो है पूज संक्रांति के दिन मनाया जाता है जब सर्दी होती है तो पू संक्रांति पड़ती है तो उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है और एक वर्ष में तीन बार मनाया जाता है ये एक डांस है जिसमें लोग मतलब एक दूसरे से मिलते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछाता है कि बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है तो ये आपका असम का है और ये एक त्यौहार के रूप में जो है असम में जो वर्ष में तीन बार मनाया जाता है ठीक है चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो ये है लोसार महोत्सव ठीक है ये भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन ठीक है लोसार महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला बहुत ही फेमस त्यौहार है देखिए क्या तिब्बती नव वर्ष को लोशर के रूप में मनाया जाता है ठीक है देखो जो तिब्बती नव वर्ष है उसको लोशर के रूप में मनाया जाता है कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ठीक है यह मुख्य रूप से जनवरी या फरवरी के अंत में तीन दिनों के लिए मनाया जाता है ठीक है तो ये भी जो त्यौहार है तीन दिनों के लिए मनाया जाता है ठीक है फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ का जो है बस्तर दशहरा ठीक है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि बस्तर दशहरा जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक का मनाया जाने वाला दशहरा है ठीक है यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे समय का जो दशहरा मनाया जाता है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है ठीक है जो अगस्त अगस्त के शुरू होकर जो अगस्त शुरू होकर पिछहत्तर दिनों तक जो है इसे अधिक समय तक भी चलता रहता है ये ठीक है और अक्टूबर में ये समाप्त होता है तो काफ़ी लंबा चलता है ये दशहरा ठीक है इसको बोलते हैं बस्तर दशहरा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है ठीक है फिर बात करते हैं आप हम लोग हरियाणा की वैशाखी की देखिए वैशाखी जो है ये एक बहुत ही मतलब पंजाबियों का बहुत ही फेमस त्यौहार है और यहाँ देखिएगा कि वैशाखी मोस्टली आपका पंजाब में भी मनाया जाता है और हरियाणा भी मनाया जाता है लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा धूमधाम से ही मनाया जाता है हरियाणा के अंदर ठीक तो है तो यहाँ का ही मुख्य और मेन त्यौहार है हरियाणा का तो सिख धर्म की स्थापना का दिवस है तथा फसल पकने के प्रतीक के रूप में भी वैशाखी को मनाया जाता है ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे कि जो है वैशाखी किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है तो वो आपका होगा हरियाणा और सिख धर्म के स्थापना का दिवस भी यही है, है और फसल के बकरे का प्रतीक भी वैसाखी को माना जाता है ठीक है फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है महाशिवरात्रि जो कल थी ठीक है देश में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि को जो है महामासव को मनाया जाता है यहाँ पर यानी बहुत ही बड़े पैमाने पर शिवरात्रि का जो आयोजन किया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर ठीक है इसे छोटा काशी भी बोलते हैं इसी कारण ठीक है कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कर्नाटक का उगादी तो बहुत सारे लोगों ने गलत कहा था देखिए कर्नाटक का है उगादी ठीक है ये क्वेश्चन कल आपका टैप पे भी था तो ये अगर पूरे कर्नाटक के लोग मार्च के दूसरे छमाही या अप्रैल के आरंभ में बहुत जो है उत्साह के साथ जो है उगादी मनाते हैं ये नए उद्यमों को शुरू करने ठीक है के लिए उगादी को सुबह माना समय माना जाता है ठीक है जितने भी न्यू उद्योग होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए तो ये समय बहुत अच्छा माना जाता है और कर्नाटक में ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट के कहिए के, केरल का ओढ़म ठीक है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा पूछाता मोस्टली यार के के केरल में मनाया जाता है ओढ़म तो केरल के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है ओढ़म देखिए मैंने आपसे बोला ना कि अगर भारत के लिस्ट निकालने लगेंगे लगें बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं त्यौहारों को लिया जो वहाँ के मेन है यानी मेन त्यौहार है और मोस्टली एग्जाम में यही पूछे भी जाते हैं तो यार कि के केरल के, केरल के लोकप्रिय त्यौहारों में से एक है ओणम सभी समुदाय के लोगों को लोग इसको खुशी से मनाते हैं उत्साह के साथ मनाया जाता है ठीक है पूरे केरल के अंदर फिर बात करते हैं मणिपुर का जो है सोंगा ठीक है सांग जो है ये मणिपुर का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है ठीक है ये मणिपुर के प्रमुख त्यौहारों में से एक है यायो सांग जो है जो फाल्गु यानी फरवरी से मार्च की पूर्णिमा से शुरू होता है और ये पाँच दिनों तक जो है मनाया जाने वाला त्यौहार है ठीक है तो इसको आप याद रखिएगा फिर बात करते हैं मेघालय की तो देखेगा नोक क्रेम नृत्य महोत्सव ठीक है नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव ठीक है ये इसका नाम है पूरा तो पहाड़ी राज्य मेघालय का जो है नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव है पाँच दिनों तक का धार्मिक त्यौहार है ये जो कि एक समृद्ध जो है फसल और लोगों की समृद्धि के लिए देवी की जो मनाने के लिए ये जो है त्यौहार प्रसन्न करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष ठीक है तो आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिए मिजोरम का जो है चयपरकुट महोत्सव ठीक है ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा चुका है चयपरकुट महोत्सव कहाँ का है जो कि आपका है ये मिजोरम का तो यहाँ मार्च के महीने में मनाया जाता है जब प्राकृतिक का रंग क्या है पूरा वातावरण हरा भरा हो तथा त्यौहार वसंत की शुरुआत में को प्रदर्शित करता है ठीक है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता आप सर बात करते हैं नागालैंड का जो है हॉर्नबेल फेस्टिवल मोस्ट आई एम पी कई बार पूछा जाता है ठीक है नागालैंड का क्या है हॉर्नबेल फेस्टिवल जो है ये क्या है नागालैंड में एक सप्ताह का तक चलने वाला जो है हॉर्नबेल फेस्टिवल है उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्यौहार है ये ठीक है हर साल दिसंबर में जो है एक से दस दिसंबर के बीच मनाया जाता है अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था ठीक है आयोजित किया जाता है और ये नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को पुनर्जीवित एवं संरक्षित बनाए रखने का बढ़ावा देने का त्यौहार है ये ठीक है आई है याद रखिएगा नागालैंड का है हॉर्नबिल फेस्टिवल ठीक है ओडिशा का है राज परवा ठीक है तो यार राज जो पर्वा है उड़ीसा की जो जीवी संस्कृति विरासत जो कि कृषि जीवन के तरीकों को दर्शाता है जून में तीन दिनों के लिए ये फसल के इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है यानी फसल के त्यौहार है ये तो याद रखिएगा आप लोग ठीक है फिर बात करते हैं पंजाब का लोहड़ी ठीक है पंजाब में मोस्टली मनाई जाती है लोहड़ी तो यार यारखे लोहड़ी पंजाब राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है जिसे विशेष रूप से हिंदू और सिख धर्म के पंजाबियों द्वारा मकर संक्रांति के दिन के पहले दिन मनाया जाता है ठीक है तो यार यारेगा दोनों लोग मनाते हैं हिंदू और सिख धर्म के दोनों के लोग ही जो है पंजाब में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या आपका राजस्थान का है गड़गौर पूजा ठीक है।, है राजस्थान में जो मोस्टली ये त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान में गड़गौर पूजा एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव का जो आनंद एवं माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना का भक्ति का प्रतीक माना जाता है ठीक है तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है जैसे आपका सिक्किम का सागा दावा ठीक है क्या है सागा दावा जो है सिक्किम में मनाया जाता है सिक्किम का शानदार सागा दावा त्यौहार मुखैटा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ठीक है लगा के लोग नृत्य करते हैं ठीक है सिक्किम में तो ये काफ़ी फेमस वहाँ का नृत्य भी है और त्यौहार भी है ठीक है फिर तमिलनाडु का पोंगल ठीक है आपसे बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछ जाता है कि पोंगल किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है तो यह रहेगा पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है इसमें क्या होता है के लोग पूरी रात जगते हैं और रंगोलियाँ बनाते हैं मैं आ रहा हूँ तमिलनाडु में मेरी मौसी जी यहीं पर रहती थी तो मैं कुछ दिनों के लिए गया था छः से सात दिनों के लिए तो वहाँ पर बीच में ये त्यौहार पड़ा था पोंगल तो वहाँ पर लोग पूरी पूरी रात जगते हैं मतलब और पूरे जो घरों के बाहर और पूरी रंगोलियाँ बनाते हैं मतलब काफ़ी अच्छा त्यौहार था बहुत ही अच्छा ठीक है तो तमिलनाडु का फेमस त्यौहार है ये ठीक है फिर बात करते हैं पोंगल तमिलनाडु का चार दिवसीय लंबा त्यौहार है जो कि जनवरी और फरवरी माह में मनाया जाता है ठीक है चलिए बात करते हैं त्रिपुरा की क्या के खर्ची खारची पूजा ठीक है तो क्या रखिएगा खारची पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में खारची पूजा त्रिपुरा के जो चौदह देवताओं की पूजा है यह जुलाई अगस्त के महीने में मनाया जाता है ठीक है फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का क्या है नवरात्रि ठीक है यहाँ देखिएगा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर त्यौहार बहुत ही फेमस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है पर नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस से मनाया जाता है हिंदू जो आप हिंदू देवी देवताओं को मनाने का ही बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है यानी नौ नवरात्रि जो है दो समय मनाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक है यानी एक सर्दी में मनाई जाती है और एक गर्मी में ठीक है और उत्तर प्रदेश में नवरात्रि सबसे पवित्र हिंदू त्यौहारों में से एक है जो बहुत अधिक धूमधाम से और भव्यता के साथ मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और अगर आपको होली देखनी है तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में दो जगह अगर होली आपने देख ली तो आपका पूरा मत होता नहीं है मज़ा आ जाएगी आपको ठीक है एक तो आपकी बरसाना की होली है जो कि मथुरा में मनाई जाती है और दूसरी आपकी कानपुर की होली है ठीक है मैं कानपुर में भी रहा हूँ तो वहाँ पर भी बहुत ही गजब की होली मनाई जाती है ठीक है तो ये दोनों जगह की अगर आप होली देख लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा ठीक है बात करते हैं उत्तराखंड ठीक है तो यार रखिएगा गंगा दशहरा जो यहाँ का फेमस त्योहार है ठीक है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है ठीक है देखिए जून के महीने में उत्तराखंड के प्रमुख घाटों पर गंगा दशहरा मनाया जाता है यह त्योहार भक्ति और विश्वास का है ठीक है तो काफ़ी अच्छा मनाया जाता है ये त्यौहार तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा ठीक है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा कौन नहीं जानता पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस त्यौहार है दुर्गा पूजा ठीक है दुर्गा पूजा को पश्चिम बंगाल में दुर्गो दुर्गोत्सव के रूप में भी जाना जाता है ठीक है फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर का है ईद उल फितर ठीक है तो ईद के समय जो है ये त्यौहार मनाया जाता है ईद के समय ही मनाया जाता है काफ़ी फेमस है मतलब ईद जो जम्मू कश्मीर में अगर आपको ईद का त्यौहार बहुत अच्छा सेलिब्रेट करना है तो आपको जम्मू कश्मीर में जाना चाहिए ठीक है फिर बात करते हैं हम लोग गोवा का कारनीवाल तो यार के करेगा इसमें क्या है कि लोग एक ऐसा त्यौहार है जो लोग सड़क पे मनाते हैं टोटली ठीक है और इसमें क्या है कि कुछ ऐसे इंस्टॉल्स लगाए जाते हैं जहाँ पर मतलब कुछ मतलब ऐसी चीज़ें की जाती जो गरीबों को मतलब ये मतलब डो डोनेशन इकट्ठा करते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं जैसे कि जो ये पैसे जो ये कमाते हैं और ये फिर गरीबों में दान कर देते हैं ठीक है तो ये भी काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है जो कि गोवा में मनाया जाता है ठीक है फिर बिहार का छठ पूजा कौन नहीं जानता बहुत ही फेमस त्यौहार है ठीक है तो ये बिहार में मनाया जाता है काफ़ी फेमस है और सबसे मेन त्यौहार है बिहार का छठ पूजा ठीक है बात करते हैं। गुजरात तो यार जन्माष्टमी का त्यौहार जो है गुजरात में बहुत ही फेमस से मनाया जाता है पूरे देश में जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ मथुरा में उसके बाद अगर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है ये आपका गुजरात के अंदर ठीक है तो यार कि भगवान श्री कृष्ण की जयंती पूरे भारत में विशेष रूप से गुजरात में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाई जाती है ठीक है फिर बात करते हैं झारखंड की होली तो यार क्या झारखंड में होली का त्यौहार बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश में दीपावली बहुत ही फेमस रूप से मनाई जाती है यानी मध्य प्रदेश में दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है वैसे तो दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है बट मोस्टली मध्य प्रदेश में इसकी ज़्यादा रौनक देखने को मिलती है ठीक है फिर महाराष्ट्र का जो है गणेश चतुर्थी ये भी बहुत ही फेमस रूप से मनाया जाता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये मतलब भव्यता से इस त्यौहार को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है फिर वितलंगना का है जो बदकम्पा ठीक है ये एक रो जो है आपका बहुत ही फेमस जो है यहाँ का फेस्टिवल है ठीक है ये नवरात्रों के दौरान हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला ये बहुत ही फेमस त्यौहार है ठीक है तो ये थे आपके ट्वेंटी नाइन भारतीय राज्य और उनसे संबंधित कुछ बहुत ही फेमस फेस्टिवल और याद रखिए ऐसे ही फेस्टिवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ाता है क्योंकि ये सब आपको आने ही चाहिए आई होप आपकी वीडियो पसंद आई अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर थैंक यू